السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

मदीने के ताजदार महमद रसोल सल्लाम पर सैदिन शफफ़ी महमारिक वसमाल का बेपना फजल करम है कि अल्लाह रब्ज़त ने हमें इस दीन प्रोग्राम में अलहदल्ला से हम हमें और आपको बोलने और कुछ सुनने कुछ सुनाने का मौक़ा फ़राहम कर रहा है और अल्लाह ताल का ये भी बेपना फज़ल करम है के शाबान जैसा महीना अख्तामी मराहल पर है और फिर कुछ ही दिनों में माह रमजान की आमद आमद होगी और शाबान चंद ही महीनों का मेहमान रहा है अब रमजान मेरा आज का अनुमान है रमजान किसे कहते हैं अब याद रखिए मेरे अजीजा ने गिरामी कि मैं सबसे पहले

और फिर रमज़ान की फजीलत पर मैंने जो अनवान चुना है रमज़ान की अहमियत मेरे जो जो अनवाना आपने हमारे नाजरीन इस चैनल के जो सुने हैं जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको यह हदीस मैंने बयान किया तो फिर भी ये उनवान में यह हदीस मैं इसलिए ले रहा हूँ कि रबी ब पाकाम का फरमान है कि

इस्लाम की बुनियाद फाउंडेशन जो इस्लाम का जो फाउंडेशन है वो पांच चीजों पर है पहला क्या है कलम तोहद का दिल से तस्दीक करना मुसलमान है तो वो कलम तोहैद का दिल से तस्दीक करें फिर दूसरा है नमाज को कायम करना फिर तीसरा है जलाल ने अगर आपको दौलत दी है तो जक़ात निकालना फिर आपको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो जिंदगी में एक मरतबा हज करना फिर रमजान के रोजे रखना जब रमजान को पाते हैं हम तो हमारा फर्ज बनता है कि रमजान के रोजों को रखें जैसे पिछले मैंने आयत में जो लिया है जलाल ने खुद फरमाया है कि जैसे पिछली कौमों पर रबीज जलाल ने रोजों को फर्ज किया था अब ये कौम पर यानी हम पर भी रबीज जलाल ने रोजों को फर्ज किया है तो हर मुसलमान का फर्ज बनता है कि वो रोजों को रखें अगर वो रोजों को छोड़े तो वो गुनागार होंगे अब आए मेरा मकसद क्या है आज का उनवान यही है जो इस्लाम की बुनियादों में ये एक बुनियाद है रमजान के रोजों को रखना आज का न्यू जनरेशन और आज के जितने भी नौजवान बच्चे हैं 20 साल 25 साल पैंतीस साल चालीस साल जो जो भी हजरात जो बच्चे नौजवान कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के स्कूल के जो ये बच्चे हैं उनको तो ये नहीं मालूम है कि रमजान क्या है अल्लाह ये हाल है हमारे मुसलमान मुसलमान के हम मुसलमानों के माशरे में हमारे जो न्यू जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं तो उनको रमजान की अहमियत नहीं मालूम रमजान किसे कहते हैं नहीं मालूम जैसे अगर आप देख लें साल के ग्यारह महीने में जो इंसान खाता पीता हो, हर चीज से जलाल ने हमें हर वो से सरफराज कर रहा है तो जलाल ने जब हमको दौलत इज्जत शोहरत दी है तो इस साल के ग्यारह महीने में वक्तन फौकतान हम खाते पीते नजर आते हैं लेकिन आज का आज का अगर जो माहौल देखा जाए कि रमजान को जैसे ही पाते हैं तो वो ग्यारह महीनों से ज्यादा रमजान में खाते पीते नजर आता है और शहर तो इतनी बेतहाशा हो जाती है कि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो वो खाना पीने के डकारें हमारे हलक में आती हुई नजर आती है बास तो हजरात इतना खाते हैं कि वो मस्जिद की तरफ फजर की तरफ रवा दवा नहीं हो सकते ये हाल हमारा है रमजान का क्या है रमजान का मकसद क्या है रमजान का मकसद यही है कि इंसान को भूख लगे प्यास लगे उसको बर्दाश्त करने का नाम रमजान है वो रोजों को बर्दाश्त करे शिद्दत की भूख लग रही है तो वो बर्दाश्त करने का नाम रोजा है वो भूख लगे उसको भूख लगने की जरूरत है प्यास शिद्दत की लग रही है जुबान कांटा भी हो जाए तो हमें रोजे को तर्क करना नहीं है कि उसको भूख लगना प्यास लगना रोजे का कौन सा ये है रमजान का कौन सा ये है लेकिन उसके मतलब उसका मफाहि वगैरह वगैरह जो हमारे मुस्लिम माशरे में उसको अलग अलग तरह से ले लिए ये है हमारा ये नहीं है मेरा जीजा ने गिरामी के रमजान का कॉन्सेप्ट को समझा जाए जलाल ने हमें क्या मकसद से रमज़ान जैसा महीना नसीब दिया अगर अल्लाह ताला ने हमें यह महीना अजमतों बरकतों वाला महीना दिया है तो हमें समझना है कि उसके समझने की जरूरत है रमजान क्या कहते हैं सब्र वाला महीना इन साबरीन बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला की मदद होती है तुम बर्दाश्त करे भूख को बर्दाश्त करे तुम साल के ग्यारह महीने अगर खाते पीते नजर आते हो लेकिन हमें वो भूख को बर्दाश्त करना वो प्यास को बर्दाश्त करने का नाम रोजा होता है लेकिन आज हमारा कुछ अलग ही मकसद ले लिए अब ये है अब जैसे ही शहर हो जाए तो बेतहाशा खाते हैं हबीब सलाम की सुन्नत है कि शहर में हम इतना खाएं कि जो हमारा रोजा मकरू ना हो हमारे रोजों को रोजे पे कुछ उसका इफेक्ट ना पड़े कि शहर में इसलिए खाया जाता है कि हमारे बॉडी में ताकत रहे वोत बाकी रहे तो इसलिए खाया जाता है लेकिन आज का हमारा मामूल क्या है शहर में खाते हैं बस दोपहर का खाना नहीं होता फिर उसके बाद इफ्तार में खाते हैं फिर उसके बाद जो है दोस्तों के साथ हलीम वगैरह वगैरह चलते रहता रात भर का ये कौन सब है रात भर इंसान खाते पीते नजर आता है तो ये रमज़ान खाने पीने के लिए नहीं आया है रमजान आया है तो हम शहर करें इफ्तार करें सुन्नत के मुताबिक हम ऐसा खाएं कि हमारी बॉडी भी उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए लेकिन आज भूख वो प्यास, वो शिद्ध वो हम बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं अब तरह तरह के नुस्खे निकलते हैं कि भूख नहीं लगना है तो ये इस्तेमाल करें अब प्यास नहीं लगना है तो ये इस्तेमाल करें अब देखे रमजान करीब है तरह तरह के इश्तिहार नजर आते तो रमजान का कौन ये नहीं है कि हम बर्दाश्त करें कि बेतहाशा खानों खाने पीने की तरफ हमारा वक्त गुजारी वहां पर ना करें बल्कि मस्जिद में रमजान आया है तो इबादत लेकर आया है रमजान हमें लेकर आया है तो हमारे में इजाफे के लिए लेकर रमजान आया है तो हमारे मख्त का महीना आया है जैसे रबीज जलाल ने हबीब हबीबा सलात सलाम ने फरमाया है कि जैसे रमजान के रमजान में जन जहन्नम के दरवाजों को रबीज जलाल बंद कर देता है और रमजान में जन्नत के इस, तमाम दरवाजों को खोल देता है लेकिन रोजेदार को वहां से दाखिल करता है कि बाबुरान एक दरवाजा है तो वहां से रोजेदार दाखिल होगा वो एक रबाल ने हम तमाम को रखा है वो इम्तहान किस लिए है वो इम्तिहान रब जलाल किस लिए रहा है हम भूख को बर्दाश्त करें प्यास को बर्दाश्त करें नमाजों की पाबंदी करें नमाज तरावी की पाबंदी करें हमारे हाथ में अल्लाह का कलान सजा रहे और हम हमारा वक्त हमको जो खाली वक्त मिल रहा है तो हम शॉपिंगों में करने के बजाय हमारा वक्त रबाल के जिक्र असकार में लगाए ये हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए ये हमारा मकसद होना चाहिए ये हमारी सोच होनी चाहिए कि आज नौजवान बच्चे बच्चियों का हाल देख लें हमारे माओ बहनों का हाल देख लिया जाए जैसे ही रमजान को पाते हैं तो बाजारों की जीनत बन जाती है शॉपिंग वाला महीना समझा जा जाता है कितने ऐसे नहीं है हबीब पाक अली सलाम का फरमान है कि जितना बाजारों में वो मकाम में सब में ज्यादा वो मकाम बदतरीन है जो बाजारों बाजार है किसी की चोली को सुना जाता किसी की झूठ बोलते हुए सुनते हमारी जुबान से झूठ निकलता हमारी निगाहें जो चीज को नहीं देखनी चाहिए हम वो चीज को देख लेते हैं ये रोजे का मकसद ये नहीं होता कि तुम बाजारों की जीनत बन जाए कि हमारे भाई हमारे बहने माए जो बाजारों की जीनत बन जाए ये नहीं है कि रमजान भी आए तो हमारे माओ और बहनों का लिया होता है कि हम सड़कों पर खाते पीते नजर आते हैं बाजारों में बाजारों की जीनत बनते हुए हम खाए खाते पीते नजर आते हैं अल्लाह अकबर ये नहीं है रमजान आया है तो हम बाजारों की जीनत ना बने बल्कि मस्जिद की जीनत बनने की जरूरत है हमारी माँ और बहनें अपने घर के चार दीवारियों की जीनत बनने की और उनका वक्त जो मिले रिजा इलाही के लिए होने की जरूरत है हमारा दिल हमारा अल्ब वो जलाल से जुड़ा होने की जरूरत है आज देख लिया जाए रमजान का मकसद ही फोत होता हुआ नजर आ रहा है आज देख लें कितने ऐसे हॉस्पिटल आबाद है जो शुगर पेशेंट है बीबी पेशेंट है आज जो साठ साल भी जी नहीं, नहीं। वक्त से पहले उखड़ जा रहे किसी को हार्ट किसी को तरह तरह की बीमारियों में मुलविस उसका मकसद क्या है जब रमजान को पाते हैं तो रोजों को नहीं रखा जाता तिब्बी नुकते नजर से देखा जाए तो रोजे का फायदा क्या है हम भूख को बर्दाश्त करने का भूख को बर्दाश्त करते हैं वो एक ऐसा होता है कि रमजान में कि वो एक टाइम यानी दोपहर का लंच नहीं होता है जोहराना हमारे से हम नहीं खाते हैं दोपहर का खाना हम नहीं खाते तो उसका बदला रात तमाम निकालते हुए नजर आते हैं बाजार में हमारी वक्त गुजारी कभी हमने ये नहीं सोचा कि मैं नमाज त्रावी में अपना वक्त गुजारूं अभी मुझे वक्त मिल रहा है तो मैं नमाज त्रावी के बाद सलात का अहतमाम करूं कभी नमाज तहज्जुद का पाबंद हो और रमज़ान में सारा रमजान में नमाज तहज्जुद का अहतमाम अपने घर में खुद करूं अगर आप घर का कोई एक शख्स अगर नमाज तहज्जुद का पाबंद हो जाए रमज़ान भर में वो अपने अल्लाह के कलाम उसके खाली वक्त मिले खुदा का कलाम हाथ में ले था रखें तो ये घर का एक शख्स अगर ये अमल करे तो अगर किसी भाई अगर घर में खाली है माँ खाली है या बहन खाली है तो ये मकस उसको देख कर सारा घर के मुंबरान जुड़ते हैं ये हमारा मकसद होना चाहिए हमारे घरों के घरों से ये ये आगाज करें आप आपके बच्चे भी सुधरेंगे फिर आपकी बात भी सुधरी जाएगी अपना घर भी सुधरेगा साल के ग्यारह महीने हमने गुनाहों में तो अपनी जिंदगी को कटाई है हमने अल्लाह की नाफरमानी में कटाई है लेकिन जब रमज़ान आए तो खुदा जलाल ने हम पर रोज़ों को फर्ज किया क्या हम वो रोज़ों को भी सही से रखा नहीं जा सकता है क्या वो रोज वो एक महीना हबीब पाक सलाम के सुन्नत के मुताबिक हमने रमज़ान को गुजार नहीं सकते अल्लाह अकबर ये है मुसलमान का हाल सारी कायनात देख रही है सारा सारे मुल्क के लोग देख रहे हैं कि जैसे ही रमजान आता है तो ये समझते हैं कि साल के ग्यारह महीने वो भूखा रहता है रमजान आते ही वो खाते पीते नजर आता है ये नहीं है मेरा जीजा ने गिरा में रमजान आए तो हमें भूख लगने की जरूरत है प्यास लगने की जरूरत है उसका बर्दाश्त करने का नाम मुसलमान वो मुसलमान बंदे मोमिन उसको बर्दाश्त करता है जुबा काटा भी हो जाए हलक सूख जाए वो फिर भी पानी हलक से नीचे नहीं उतार सकता अल्लाह ये होनी चाहिए अब रमजान में हालत रोजे में इंसान अपने अहलिया के करीब नहीं जा सकता है हालत रोजे में अपने अहलिया के करीब नहीं जा सकता लेकिन आज के नौजवान आज के न्यू जनरेशन के लोग जो है बाजारों में अपनी निगाहें खराब करते हुए नजर आते हैं अल्लाह अकबर ये हाल हम मुस्लिम माशरे का है सोचो मेरे अजीजा ने गिरा हमारा मकसद क्या है हम हबीब पाक उम्मत है तो हम क्या कर रहे हैं और फिर एक हजीज़ सुनाऊ के हजर सलाम के पास दो खातून आते हैं और कहने लगते हबीब पाक अली सलाम ने उनको खाने के लिए कुछ पेश करते हैं तो वो नहीं खाते कि सलाम आपको नहीं मालूम कि रमजान में हम हालत रोजे में है हम ये कैसे खाएं तो हबीबे पाक अली सलाम ने फरमाया कि तुम खाए करो तो वो खाए करते हैं तो न गोश की बोटियां नजर निकलती हैं खय में और फिर गोश के लोथड़े गिरते हैं तो वो दोनों खुतिन परेशान होते हैं कि हमारे अलग से ये ऐसी खय हो रही है कि मकसद क्या है तो हबीब सलाम ने फरमाया कि तुमने हालत रोजे में किसी की चोगली की थी तो इसलिए तुम तुम्हारे मुंह से गोश्त की बोटियां और खून के लोथड़े गिर रहे हैं तुमको नहीं मालूम है तुम कुरान से वाकिफ नहीं है कि तुम अगर किसी की चोगली करेंगे तो तुम्हारे भाई जिंदा भाई के गोश्त के खाने के बराबर है अल्लाह मकबर ये है हमारे मुसलमानों का हाल हालत रोजे में चोगली कर हैं तो फिर कहते हैं कि हम हालत रोजे में तो हबीब पाक अली सलाम ने फरमाया है कि वो दो खातन से कि जब तुम खाई करते तो तुम चोगली कर तुम्हारे भाई का गोश खा रहे हो तो फिर कई का रोजा रहा तुम्हारा कहाँ का रोजा रहा है तो हालत रोजे में हर वो चीज से परहेज किया जाए झूठ से हमें चाहिए कि इन चीजों से महफूज रहे ये हमारा रमजान ये मैसेज देता है रमजान में हमें इन चीजों से एहतियात करने की जरूरत है सिर्फ रिजाए इलाही के लिए हम एक महीना यकीन जाने की मैं अपनी बात कह रहा हूँ एक महीना हबीब अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ये एक महीना गुजारे तो यकीन जाने मेरे अजीजा ने गिराम आप रिजाए इलाही के लिए और हबीब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को राजी करने के लिए आप ये एक महीना नमाज के पाबंदी नमाज तरावी की पाबंदी सलात लैल की पाबंदी जिक्र अस्कार अल्लाह का कलाम हमारे हाथ में है झूठ नहीं बोला जा रहा किसी की चोगली नहीं कर रहे हैं तो ये तरह तरह की चीजों को हमने अगर छोड़ दिए हैं तो यकीन जाने के साल के ग्यारह महीने भी इसी अंदाज से हमारे गुजरेंगे क्योंकि एक महीना हम झूठ चोगली किसी का सुनाने और किसी को बोले नहीं तो ये हाल हमारे अंदर होनी चाहिए रमजान आया है तो हमें इस अंदाज से गुजारे रमजान को ये इस तरह से गुजारा जाए हम हालत रोजे में रह के झूठ भी बोल रहे हैं चुगली भी कर रहे हैं तो ये मकसद नहीं है हबीब सलाम ने वो दो खातून से क्या कहा कि तुम्हारा कई कैका रोजा है तुम चुगली कर रहे हो तुम जिंदा भाई की गोश् को खा रहे हो फिर भी रोजा अल्लाह यह हमारे मुसलमानों के अंदर नहीं होता मेरे अजीज आने की रामी समझा जाए कि आज न्यू जनरेशन के बच्चे जो दीनी तालीम से महरूम है इस्लाम की बुनियादी चीजों से महरूम है तो इसलिए आज ये मंजर को हमको देखना पड़ रहा है हमारे बच्चों को तालीम से दीनी तालीम से वाबस्ता कराए कुरान व सुन्नत से वाकिफ करवाएं हबीब पाक अली सलाम की सुन्नतें सुनाए जाए तो उनका मकसद क्या था हजर पाकाम ने हदीस बयान की है तो उन हदीसों का मकसद क्या है? उसको समझने, वो सुने और फिर अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाया जाए अल्लाह अकबर ये होना चाहिए हमारे अंदर ये अंदाज ये अखलाक हमारे अंदर होनी चाहिए हमें गौर फिक्र की जरूरत है आज के उन्नवान के मुताबिक मैंने जो जो बयान किया हूँ वो अहम बहुत पहलू रखते हैं तो आप सुने और फिर अपनी जिंदगी में अमल जामा पहनाने की कोशिश करें से दुआ है ऐ हम को पाएं तो मालिक मौला हालत रोजे में हम ऐसे तेरी भूख को शिदत हमें हालत रोजे में भूख को शिद्दत को बर्दाश्त करने की जरूरत अता वैसी ताकत अता अल्लाह हम तमाम को हमारा हर लम्हा लम्हा रमजान को अगर हमारे नसीब में अगर मालिक को मोला लिखा है तो हम हालत रोजे में हो तो हमारा रमजान ऐसे गुजार गुजरना चाहिए कि मालिक मौला लम्हा तेरी इबादत में गुजरने के तेरी इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमा और हमारे अंदर वो ताकत वो कुव्वत अता फरमा कि हम रमजान के रोजों को रखें और तेरे रिजा के लिए रखे जुबा काटा भी हो गई है तो मालिक को मौला हमारे अंदर वो ताकत दे बर्दाश्त के वो ताकत वो कुव्वत अता फरमा अल्लाह हमारे रोज़ों को हमारे रमजान के आमद आमद हम पर है मालिको मोला हमारे उस रमदान की आमद हो और फिर हमें उसे अच्छे से अच्छा इस्तबाल करने की तोफ़ी अता फरमा हम तमाम के वाल शायद व तंदुरुस्ती अता फरमा हम ये चैनल के जितने भी अरकिन हैं मौला जितने भी काम कर रहे हैं मौला उन तमाम की जिंदगी में खुशहाली अता फरमा उनकी कमई में कारोबारों में घरों में खैर बरकत का नजुल फरमा अल्लाह हमारी इस दुआ को तिरहबी बल के वास्ते वसीले से कबुल फरमा आज तक वाहिरदा अलहमदिल्ल रबीआलमी आज तक के लिए हम तमाम तो को इजाज़त दें फिर मिलेंगे नए इनवान के साथ असल वरहमल वर्क